ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है, उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को ये मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है, टुकड़े टुकड़े गए जो भारत को खंडित खंडित करना चाहते हैं। 2008 में जब ओलंपिक हुआ, ये कांग्रेस को, ये सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था, उस करने के लिए तैयार हूँ सर। सभापति जी, अध्यक्ष जी, ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है, आज बड़ा एक सीरियस मामला में उठाना चाहता हूँ अध्यक्ष जी। कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को ये मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है, और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा पूरा खुलासा किया है, और वो जो न्यूज क्लिक है सर वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है, पुरकाश उसका मालिक है, उसके सारे पैसे में कहां कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोनी सिंह को, या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं, उसके बारे में सर। दूसरा, मैं इस सरकार से मांग करता हूं सर कि जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक, चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2008 में जब ओलंपिक हुआ, ये कांग्रेस को, ये सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था, उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे, कुछ विषयों पर ये जो नवलका के साथ है, पुरकाश के साथ जब हमने न्यूज क्लिक पर रेड किया सर, वो दिग्विजय सिंह का, सुरजेवाला का, सुप्रिया श्रीनेत का, ये सारे ट्वीट आए सर, ये चाइनीज के साथ ले लिए हैं, ये देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। दिवंगत के बाद जो हिंदू चीनी भाई भाई नेहरू की जो नीति थी उस नीति को ये बढ़ाना चाहते हैं, ये भारत का विभाजन करना चाहते हैं, और इसमें ये चाइनीज के साथ मिलकर ये कांग्रेस देश को तहस नहस करना चाहती है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से, ये पत्रकारों के माध्यम से और चाइनीज के माध्यम से देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जितनी भी फंडिंग हुई है कांग्रेस को, जितनी भी चाइना ने फंडिंग की है, जांच की जाए, और जितने लोग हैं और कांग्रेस पार्टी को, अर्जुन राम मेघवाल जी, कांग्रेस पार्टी को बैन किया जाए चुनाव लड़ने से, ये आपके माध्यम से भारत सरकार से मेरे नाम के आगे मैं यदि कोई टिकट करना हो पेपर तो मैं ले करने के लिए तैयार हूँ सर। कुमार मोदी जी के रहते ये संभव नहीं है, हम इसको चलने नहीं देंगे। आप कितना हंगामा कर लो, इंडिया को तोड़ने की ताकत, भारत को तोड़ने की ताकत किसी में।